हेलो स्टूडेंट्स, पैडागोजी और मैथमेटिक्स साइंसेस के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चला हुआ है सीसीई, उसके अंडर बच्चों आज हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे। मींस मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासरूम इवैल्यूएशन प्रोसीजर कैन बी क्लासिफाइड और कैरेक्टराइज्ड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज प्लेसमेंट, सेकेंड इज फॉर्मेटिव, थर्ड इज डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ इज समेटिव। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब है बच्चों स्थापन मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब बच्चों रचनात्मक या निर्माणात्मक, डायग्नोस्टिक मींस दानात्मक एंड समेटिव मींस संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की जब बात करते हैं बच्चों, तो इट डिटरमिन्स पीपल परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इवैल्यूएट द एंट्री लेवल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। मींस किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करने से पहले, ठीक है ना, शुरू करने से पहले या इंस्ट्रक्शन मटेरियल को देने से पहले हम बच्चे की प्री रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज की यहाँ पर चेक करते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे में जो प्री रिक्विजिट स्किल्स या नॉलेज बच्चे में होनी चाहिए क्या वो है कि नहीं है। बच्चों में वो गुण और व्यवहार जो पढ़ाए जाने वाले पाठ या कंटेंट मटेरियल से पहले जो होने चाहिए क्या वो उनमें उपस्थित हैं या नहीं है, तो इसको चेक करता है क्या स्थापन मूल्यांकन। मतलब बच्चे की किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन के दौरान उसको मतलब प्लेस करने से पहले उसकी हम इवैल्यूएशन करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें बच्चों हम स्टूडेंट्स की प्रीरिक्विजिट स्किल्स और नॉलेज के बारे में हम क्या करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं और जितनी उनकी नॉलेज होती है या मान लो जितनी उनकी नॉलेज होती है टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव द प्रीरिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं अपने प्लान ऑफ एक्शन या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं। इससे हमें बच्चों उनके इंटरेस्ट, ठीक है ना, उनके एप्टीट्यूड या उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का हमें पता लग जाता है कि बच्चों का कितना है, तो उसी हिसाब से हम अपनी इंस्ट्रक्शन मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग मेथोडोलॉजी को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई या अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बच्चों कह देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम पीके टेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, पीके टेस्टिंग की बात करते हैं, हम पूर्व ज्ञान परीक्षण की जब बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का ही क्या है, पार्ट है। मतलब इसके अंदर ही हम इसको बच्चे की पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं किसी भी पार्ट को शुरू करने से पहले कि उनका किसी विषय से प्रति, किसी कंटेंट मटेरियल से प्रति क्या उनका पूर्व ज्ञान क्या है, तो उसका हम पहले परीक्षण करते हैं और उसी हिसाब से अपने पाठ को या अपनी पाठ्यचर्या को मॉडिफाई करते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक। इसका मतलब है टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। मीन्स द इवैल्यूएशन प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चल रही है, ये मतलब जब लेसन प्लान हम डिलीवर कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हैं, तो उसके दौरान जो भी इवैल्यूएशन की जाती है उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कह देते हैं। मींस इट कंडक्टेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग द लेसन टॉट और इंस्ट्रक्शन इज इम्पार्टेड। कहने का मतलब बच्चों जब टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा होता है या कोई टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को दे रहा होता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी आउटकम को जज करने के लिए, उसकी इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को हम दे रहे होते हैं या बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो अपनी लेसन के दौरान ही बच्चे को क्या करते हैं, हम बीच बीच में हम उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। मान लो उससे हम ओरल टेस्ट भी ले लेते हैं या कोई क्वेश्चनिंग कर लेते हैं या उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी हम चेक कर लेते हैं कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है बच्चों, टू डिवेल्प हिज लेसन, टीचर यूज टू डिवेल्प हिज लेसन, टू रिफाइन हिज लेसन, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चों दोनों के लिए ही क्या है, जरूरी है, टीचर और बच्चे के लिए दोनों के लिए ही उपयोगी होती है, क्योंकि दोनों को साथ साथ फीडबैक, टाइम टू टाइम फीडबैक मिलती रहती है। टीचर के लिए अपनी टीचिंग की फीडबैक मिलती रहती है कि मैं कैसे लेसन दे रहा हूँ या कोई मुझे अपनी मेथोडोलॉजी चेंज तो नहीं करनी है, कॉन्टेंट मटीरियल को हमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं करनी है, और स्टूडेंट्स को भी अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में अधिगम स्तर मेरा कैसा कैसा है उससे बच्चे को भी साथ साथ
उससे पता लगता रहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान बच्चों हम दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल टेस्ट बच्चे के ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यूनिट टेस्ट हो गया, ठीक है ना, या क्लास टेस्ट हो गया, या क्विज, या इनफॉर्मल बेस से हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं लेसन के दौरान ही, या किसी सेशन के दौरान ही, टीचिंग लर्निंग सेशन होता है हमारे पास, तो उसमें हम देखते रहते हैं, अपने मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनका छोटा छोटा टेस्ट हम लेते रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कह देते हैं। मतलब हम अपने क्या करते हैं लेसन की, ठीक है ना, या टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसिस की क्या करते हैं हम रचना करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते रहते हैं इसके द्वारा, और उस हिसाब से हम अपने लेसन को डेवलप और रिफाइन करते रहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। तो आगे आता है बच्चों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक। इसका मतलब होता है बच्चों डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मींस दिस इवैल्यूएशन इज यूज्ड व्हेन सम लर्निंग डिफिकल्टीज आर परसिस्ट, ठीक है ना। कोई हमारे पास स्पेशल डिफिकल्टीज बच्चे में आती है किसी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या मान लो कोई बच्चा बार बार किसी विषय में असफल हो रहा है, किसी कॉन्टेंट मटेरियल को समझ नहीं पा रहा है, तो उससे रिलेटेड पहले हम क्या करते हैं बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, ठीक है ना, एज अ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर करता है ना कि किसी सिकनेस को, किसी बीमारी को पहले डॉक्टर क्या करता है उसको डायग्नोज करता है और उससे हिसाब से दवाई या रेमेडी देता है। तो इसमें भी बच्चों सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्या होता है डायग्नोसिस होती है, कोई स्पेशल डिफिकल्टीज की डायग्नोज करता है टीचर, फिर उससे रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। निदानात्मक शिक्षण बच्चे को दिया जाता है उस हिसाब से, तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कह देते हैं। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन। ये क्या है बच्चों, इवैल्यूएट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ओवरऑल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। जब बच्चे को पूरा का पूरा लर्निंग मटेरियल दे दिया गया है, ठीक है ना, जब बच्चे को सारा का सारा ओवरऑल जो हमारा मटेरियल है, जो ओवरऑल सिलेबस है, उससे बच्चा फेमिलियर हो चुका है, तो उस टाइम जब समेटिव इवैल्यूएशन किया था, मतलब संकलनात्मक, मतलब सम्मिश्रण करना, किसी चीज को पूरा का पूरा जोड़ना, तो इसमें हम एट द एंड ऑफ ओवरऑल इंस्ट्रक्शन से कहना हमारा मतलब है कि एट द एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, या हम एंड ऑफ एनुअल सेशन, या सेशन के एंड में, जैसे कि एग्जामिनेशन सिस्टम में होता है हमारे पास टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, या सेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, या फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह के इवैल्यूएशन को बच्चों क्या कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन कह देते हैं। तो इस तरह से बच्चों द समेटिव इवैल्यूएशन अकर्स एट द एंड ऑफ द सेशन एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर टू प्रमोट द चाइल्ड टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, ओवरऑल बच्चे की अचीवमेंट का हमें पता लग जाता है, जिससे हम उस बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर सकते हैं या फेल भी कर सकते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के दौरान। तो मतलब बच्चों इसमें समेटिव इवैल्यूएशन में पूरा का पूरा ओवरऑल जो हमारा एकेडमिक पीरियड है, सेशन है, उसके दौरान सारी की सारी इवैल्यूएशन को क्या जाता है समेटिव किया जाता है, सारा की सारी इवैल्यूएशन प्रक्रिया को जोड़ा जाता है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है ना। समेटिव इवैल्यूएशन के जो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये जो सर्टिफिकेट जो हमें प्राप्त होता है, उससे ही हम बच्चे को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं कि क्लास में उसकी पोजीशन क्या है, क्या हमें उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है। तो सारा का सारा काम यहाँ पर कौन करता है, समेटिव इवैल्यूएशन के दौरान ही होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम समेटिव इवैल्यूएशन को सर्टिफाइंग इवैल्यूएशन भी कह देते हैं, क्योंकि ये सर्टिफाइड करता है बच्चे की परफॉर्मेंस की, बच्चे की अचीवमेंट को ये सर्टिफाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। कल हम इसी से रिलेटेड इवैल्यूएशन सीसीई से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।